फ्रेंड्स, जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है नी प्रेस एक्सरसाइज। उस चीज़ के लिए आपको एक तौलिया लेना है, ये मोटा वाला। इसका आप इस तरह से रोल बना लेंगे, आप तकिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इसे आप घुटनों के नीचे इस तरह से रख देंगे, ठीक है। अब आपको करना ये है कि इसे आप हल्का हल्का दबाएंगे दबाएंगे, इसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से इसे दबाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। दबाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और रिलैक्स छोड़ देंगे। इससे आपके घुटनों के सामने वाला मसल्स इससे मजबूत होगा। इसे जितना हो सके उतना करें, लेकिन कम से कम आप इसे 15 से 20 बार तो ज़रूर ही करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी पोजीशन में आपको एंकल फुट को मूव करना है, ये देखिए ये, ठीक है। इससे आपके और लोअर लेग के मसल्स इससे मजबूत होंगे, और जितने भी स्टिफनेस है नी के आसपास वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। इसे भी जितना हो सके उतना करें, ऐसा कोई गिनती नहीं है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अगला एक्सरसाइज को हम स्ट्रेट लेग रेस बोलते हैं। तो आप इस तरह से लेट जाएंगे, और फिर जिस घुटने में दर्द है उस घुटने उस पैर को आप इस तरह से उठाएंगे। मेरा फुट को नोट करिए, मैंने इसको इस तरह से नहीं किया है, मैंने इसको इस तरह से किया है और इसे उठाया, और इसे 30 डिग्री तक ही उठाना है, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं उठाना है। उठा करके कम से कम इसे 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर नीचे रख दें, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूँ, अपने फुट को ऊपर की तरफ खींचें और फिर उठाएँ, 30 डिग्री पर लाएँ, वहाँ पर इसे 5 सेकंड तक होल्ड करें, 1 2 3 4 5, फिर इसे नीचे रख दें, ठीक है। इसे भी आप एक सेशन में 10 से 15 बार करें, उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आपके दोनों घुटनों में दर्द है तो दोनों घुटनों में आप कर सकते हैं अल्टरनेटली, जैसे ये एक पैर हो गया, फिर आप दूसरा पैर में इस तरह से अल्टरनेटली 1 बाय 1 आपको ये स्ट्रेट लेग रेज करना है, ठीक है। तो ये तो था सामने घुटनों के सामने वाला मसल्स को मजबूत करना। आप घुटनों के अंदर की तरफ वाले मसल्स को मजबूत करने के लिए आपको इस पोजीशन में आना है, अपने नी को बेंड कर देना है, और फिर दोनों नीज़ के बीच में आप पिल्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये टॉवल का रोल है, टॉवल का रोल को मैं यहाँ रख देता हूँ। अपने दोनों थाइस के बीच में इसे रख देंगे और फिर इसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके 1 2 3 4 5 5 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। फिर प्रेस करें, रिलैक्स करें। इसे अगर ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा मोटा कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे और मोटा कर दिया और फिर मैंने इसे घुटनों के बीच में रख दिया और फिर इसे प्रेस करके 5 सेकंड होल्ड करके रखा, फिर रिलैक्स छोड़ दिया। 5 सेकंड होल्ड करके रखा, फिर मैंने रिलैक्स छोड़ दिया, ठीक है। इसे भी कम से कम हम 15 से 20 बार एक सेशन में करेंगे। उसके बाद अगला एक्सरसाइज है, आपको अपने घुटनों के बाहर की तरफ की मांसपेशियों को मजबूत करना है। तो उसके लिए आपको साइड लाइन में आ जाना है, ठीक है, और फिर नीचे वाला पैर को आप हल्का सा बेंड कर लें ताकि एक स्टेबल बेस ऑफ सपोर्ट मिले, और ऊपर वाला पैर को आप सीधा रखें और फिर इस पोजीशन में आप इसे उठाएं, उठा करके 30 डिग्री में लाएं और वहाँ पर 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर इसे नीचे रख दें, ठीक है। उठाएं, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर नीचे रख दें। इसे भी कम से कम 10 से 15 बार करें, और उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बढ़ते हैं घुटनों के पीछे वाले मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। उसके लिए आपको पेट के बल इस तरह से लेट जाना है और फिर अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ना है। आप नोट करिए, उसको पूरी तरह से नहीं मोड़ना है, अगर आप पूरी तरह से मोड़ेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। आपको सिर्फ 90 डिग्री तक लाना है, फिर इसे सीधा कर देना है, ठीक है। फिर मोड़ें, 90 डिग्री तक बेंड करें, फिर इसे सीधा कर दें। मोड़ें, 90 डिग्री तक बेंड करें, फिर सीधा कर दें। इसे भी 15 से 20 बार करें,
अगर आप दोनों घुटनों में दर्द है तो दोनों घुटनों में ये चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे घुटनों के पीछे की तरफ के जो मांसपेशियां हैं या फिर जो जॉइंट कैप्सूल है उसमें स्टिफनेस आ जाता है, तो उसको स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप कोई बेडशीट या टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप इसे इस तरह से पकड़ लेंगे फोल्ड करके, और इसका बीच वाला हिस्सा को आप अपने फुट में रखेंगे, फुट के ऊपरी हिस्से में रखेंगे, और फिर आप इसे खींचेंगे इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपने घुटनों के पीछे में यहाँ पे फील होगा। इस स्ट्रेच्ड पोजीशन को कम से कम आप 30 सेकेंड्स यानी कि आधा मिनट तक इसे होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। इसे खींचें, आधा मिनट तक होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स छोड़ दें। खींचें, आधा मिनट तक होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स छोड़ दें। क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसलिए मैं इसे रेकमेंड करूँगा 3 से 4 बार एक सेशन में इसे करेंगे।